नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कोटा निरस्तीकरण में गोपालपुर के गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को लिखी शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गलत तरीके से कोटा को किया गया निरस्त। पनारा गोपालपुर निवादा चायल के विक्रेता इंद्रपाल की दुकान लगभग 10 वर्षों से राशन व खाद्य सामग्री सही ढंग से व सही समय से उचित दर व शासन के आदेश के अनुरूप वितरण होता चला रहा है। गांव वालों का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने फर्जी ढंग से शिकायत करके कोटा निरस्तीकरण करवाया है, जिसमें गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी को जो पत्र दिया गया है उसमें कुछ दस्तक फर्जी तरीके से बना दिए गए हैं। आज जिलाधिकारी के शिकायती पत्र में कम 200 लोगों ने एक सुर में बोला कि इंदरलाल हमारे यहाँ का सही तरीके से खाद्य सामग्री बांटते हैं, गांव वालों को कोई समस्या नहीं है। गांव वालों का कहना है कि जिलाधिकारी उच्च अधिकारी से पुनः जांच करवा लें जिससे सही न्याय मिल सके। जी सर, तो जो जनता आपके साथ है तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे कोटेदार हैं, कोटा इनको बहाल किया जाए। तो आप लोग सीधा आज जिलाधिकारी, क्या वहाँ के जो लोकल अधिकारी थे जी, हाँ, राशन इंस्पेक्टर थे, उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं की? पैसा लेकर के मेरा कोटा, मेरे कोटेदार का कोटा सस्पेंड कर दिया। हाँ, उन्होंने पैसा लिया, डीओसओ साहब ने पैसा लेकर के 4 दिन के अंदर जो विरोधी है 3 समिति गठित करके कोटा 3 दिन के अंदर उनको निलंबित कर दिया। तो मेरे जनता मेरे इतने परेशान है, मेरा कोटा कोटेदार को तुरंत तत्काल बहाल किया जाए। तो आज आप लोग जिलाधिकारी से क्या कहें, मतलब क्या चाहते हैं? अपना कोटा बहाल चाहते हैं। एफटी लाइव के लिए जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट।